पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की मीडिया से बात। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान। सपा बसपा गठबंधन पर कहा, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा कि उसे यूपी में अंडर स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। मुद्दा एक ही है, बीजेपी को मात देने का। बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक होना है। सपा बसपा ने गठबंधन की घोषणा की है, लेकिन ये आखिरी नहीं। चुनाव से पहले कुछ बदलाव होने की संभावना। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वाराणसी से जुनैद खान, लाइव अभी तक। आप आइए सकल भाई, जन्मदिन पूनम कुंडू, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पूनम जी, आज आप लोग क्या किए हैं? हम लोगों ने आज अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का 46वां जन्म दिवस यहाँ पे मनाया है और बच्चों के साथ गिरजागढ़ के ऐतिहासिक चौराहे पे अपने कांग्रेस जनों के साथ में मनाया है। हम बाबा विश्वनाथ से ऐसी कामना करते हैं कि दीर्घायु हो, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे सदैव और वो कांग्रेस पार्टी की सेवा करती रहे। किस प्रकार से आप उनका जन्मदिन आज मनाई हैं? हम बच्चों के साथ आज यहाँ उनका जन्मदिन मनाए हैं। बच्चों के साथ केक काट कर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह जी, गणेश शंकर पांडे जी, प्रमोद वर्मा जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, शकील अहमद जादूगर जी, भोला यादव जी, हमारी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की मीरा तिवारी जी, इन तमाम सारे लोगों के साथ और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ प्रियंका जी का जन्म। ये जन्मदिन कहाँ पे मनाया गया है? गिरजाघर चौराहे पर। शांति शांति। कांग्रेस पार्टी इज ऑलरेडी सेड द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन उत्तर प्रदेश। भाई आईडी पीछे। Ultimately, the goal is to defeat the BJP. To defeat the BJP, all progressive, secular, liberal parties must come together. We know that today the BSP and SP have announced an alliance. But perhaps this is not the last word. Maybe there will be some rethink as the elections approach and a truly broad-based alliance will be formed in Uttar Pradesh. Be that as it may, the Congress party cannot be underestimated in UP, and if necessary, the Congress party will of course contest elections on its own strength. But about Rafael. But about Rafael. Rafael, sir, Rafael.